नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक कौशल, चेयरमैन हृदयशाला। मेरा सफ़र चंडीगढ़ से, मेरा सफ़र MBBS मेडिकल कॉलेज शिमला से और MDJN मेडिकल कॉलेज बेलगाम से, उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट 3 साल, फिर उसके बाद फेलोशिप इन्वेजिव कार्डियोलॉजी और इंद्रप्रस्थ पोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में विजिटिंग कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी में ज्वाइन करना, और सर गंगाराम साकेत सिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में कंसल्टेंट, जो आजकल मैक्स स्मार्ट साकेत है वहाँ भी, उसके बाद फाइनली चंडीगढ़। मैंने काफ़ी सफ़र किया है कई देशों में, और नेबरिंग जो साक नेशन नेपाल की भी पहली एंजियोप्लास्टी 2001 में, और अफ्रीकन नेशंस में भी मैं पहला इंडियन था जो बेस्ट अफ्रीका के हॉस्पिटल ग्रुप में मैंने काम किया। काफ़ी सेवा की मैंने गरीबों की, मैंने 18,000 से ऊपर पेशेंट तो नेपाल में ऑलमोस्ट फ्री में ट्रीट किए थे। मैं कुछ आपको आज थोड़े से टाइम में दिल की बीमारी, जो दिल की खून की नाड़ियों की वजह से होती है, उसके बारे में बताऊँगा, और अपनी इम्यूनिटी भी कैसे बढ़ाएं कोरोना के टाइम में उसके बारे में भी बताऊंगा। हमारा जो दिल है मुट्ठी जितना होता है यहाँ पे, और करीब 60 से 80 टाइम धड़कन आती है एक मिनट में, 4.5 लीटर खून फेंकता है एक मिनट में, और सारा दिन रात काम करता है। जो दिल की सप्लाई होती है दो खून की नाड़ियों से होती हैं, हार्ट आर्टरीज उसको कहते हैं, लेफ्ट और राइट। सो दिल की सप्लाई जो लेफ़्ट आर्टरी होती है वो 70% के करीब करती है, राइट आर्टरी जो है 30% के करीब करती है। जो लेफ़्ट आर्टरी होती है दिल की, वो दो में, यहाँ से दो भागों में डिवाइड कर जाती है। जब हम 2 बरस के होते हैं तब से हमारे दिल की खून की नाड़ियों में फैट या कोलेस्ट्रॉल, चर्बी जो होती है, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, और जब ये ज़्यादा बढ़ जाती है और खून की नाड़ी को ब्लॉक कर देती है, या खून की नाड़ी कभी कभी ऐसे स्पाजम, ऐसे सिकुड़ जाती है कोई भी कारण के वजह से, तो हार्ट अटैक होता है। और दिल की बीमारी से मैक्सिमम इंडिया बुरी तरह से त्रस्त है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तो मैक्सिमम है, और बाकी जगह भी। पहले तो ये था कि भाई बहुत हम सोचते थे बुज़ुर्गों में होता है, अब तो हम 20-25, 25-30 साल के लोगों में हार्ट की आर्टरियां बंद देखते हैं और हार्ट अटैक के साथ देखते हैं, कमाल है। ये क्यों हो रहा है ऐसे? एक तो है कि भाई हमारे गांव से हम अब शहरों में आ गए, तो शहरों की स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है। एक हम जेनेटिकली कमज़ोर हैं, एक हमारी हर जगह बीड़ी सिगरेट सरकार बेचती फिरती है, तम्बाकू बेचती फिरती है, और सबको फ्रीली अवेलेबल है। ये तो सबसे बड़ा ड्रग है तम्बाकू और बीड़ी सिगरेट। सरकार को वाकई कुछ इसके बारे में करना चाहिए। और ये सिगरेट तो ऐसी दहशत फैलाती है, ना कि सिर्फ दिल की बीमारी है, बाकी भी, ये हर खून की नाड़ी, जहाँ भी ब्रेन की है, दिमाग की भी खून की नाड़ी बर्बाद करती है, टांगों की भी खून की नाड़ियों बर्बाद करती है। जैसे जैसे बुज़ुर्ग होते हैं हमें पता लगता है। फिर हमारा चीनी खाना, इतनी हम चीनी खाते हैं, चीनी भी एक ड्रग है जो फ्रीली अवेलेबल है। हम इतनी चीनी खाते हैं और हमारा वज़न हम कंट्रोल नहीं करते, चिप्स खाएंगे, फ्राइड चीज़ें खाएंगे, तली हुई हर जगह बर्गर खाएंगे। हम अच्छे ढंग से अपना खाना खाएं, जो फैट है, फैटी चीज़ें, हमें तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए। डालडा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। देसी घी थोड़ा बहुत हम खा सकते हैं, 2-3 चमचे नो प्रॉब्लम। मक्खन भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं खा सकते, लेकिन अगर हमारी खून में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है फिर हमें नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नमक कम खाना चाहिए, नमक हमें 5 ग्राम से 6 ग्राम किससे ज़्यादा पर डे नहीं करते, और हम हर चीज़ में नमक दबा दबा के छिड़क के खाते हैं, वो नहीं करना चाहिए हमें। तो टेंशन कम करनी है, नमक कम करना है, चीनी कम करनी है,
तली हुई चीज़ें कम करनी है और हमारी ज़िंदगी 10-20 साल ज़्यादा, सो सिंपल। और हमें कम से कम 2.5 घंटे एक हफ्ते में ज़रूर तेज़ चलना चाहिए। हमें बेसिकली जो तली हुई चीज़ें हैं, हम मक्खन घी देसी घी थोड़ा बहुत तो खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, 2-3 चम्मच वगैरह खा सकते हैं, लेकिन हमें डालडा नहीं खाना। और जो मोनो ये अनसैचुरेटेड तेल होते हैं, वो होते हैं इंडिया में तो कमाल का हमारा है सरसों का तेल, और पब्लिक ऑलिव ऑयल के पीछे ही भागती है। सरसों का तेल भी ऑलिव ऑयल की तरह ही है, और कैनोला ऑयल भी वैसा ही है, और हमारा मूंगफली का तेल भी बहुत बढ़िया है। फिर हमारे पॉली अनसैचुरेटेड तेल होते हैं, जैसे सोयाबीन है, या हमारा सूरजमुखी का तेल है, ये भी बढ़िया है। तो हम मिक्स कभी कभी करके, मतलब कभी ये खा लें, कभी ये खा लें, कभी ये खा लें, ऐसे कर सकते हैं। और कम खाना है, अपना वज़न ज़रूर कंट्रोल करना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, हाइट के हिसाब से चार्ट अवेलेबल होते हैं आजकल, तो नेट पे हैं, गूगल करो, पता लग जाता है। हमें वज़न नहीं बढ़ाना। एक हमें अपना 20 साल के ऊपर है तो ब्लड प्रेशर हर साल चेक करना है। ये जो ब्लड प्रेशर है, ये बड़ा काम ख़राब करता है। ये हिंदुस्तान में तो 15 से 20 लोग 100 में शहरों में उनके बीपी हाई होता है। अब तो गांवों में भी ब्लड प्रेशर हाई होने लग गए हैं लोगों के, क्योंकि टेंशन इतनी बढ़ गई है लोगों की। पहले टेंशनें नहीं होती थी इतनी, हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, एक दूसरे को देख लेते थे। अब सब अलग अलग होते हैं, बच्चे भी पालो, खाना भी बनाओ, सुबह उठ के भागो, फिर अपने नौकरी करने जाओ, फिर वापस आओ, फिर हम गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा हमें कंट्रोल करके रखना है, शुगर कंट्रोल करके रखनी है, शुगर नहीं हमारी हाई होनी चाहिए, नॉर्मल शुगर खाली पेट 110 से कम होनी चाहिए, और खाना खाने के बाद 120 से कम। हमारा वज़न कंट्रोल में होना चाहिए। हम 2.5 घंटे तेज़ सैर हफ्ते में ज़रूर करें, नमक कम खाएं। तो चीनी कम, नमक कम, तेल कम, आपकी उम्र ज़्यादा। और कोरोना ने कितने मार लेगा, धीरे धीरे ये सब सेटल हो जाएगा, डरो मत। मास्क ज़रूर पहन के जाओ, मास्क नाक के ऊपर भी चढ़ाना है जब बाहर जाना है, दूरी रखनी है, और फल खूब खाओ, फल फ्रूट खूब खाओ, और हरी सब्जियां ज़रूर खाओ। अगर मीट खाते हो तो फिर मछली ठीक है थोड़ी बहुत ही, और पतला वाला जो चिकन है वो थोड़ा बहुत ठीक है। आजकल ज़रा चिकन का ख्याल रखना, ये लोग स्टेरॉयड के इंजेक्शन भी देते हैं, एंटीबायोटिक भी खूब देते हैं चिकन को, उससे बच के रहना। और सरकारों को हमारा ख्याल रखना चाहिए कि भी जो छिड़काव है सब्जियों पे और फलों पे, जो हम इंसेक्टिसाइड, जो फल फ्रूट को ये कीड़ों से बचाने के लिए हम छिड़कते हैं, वो कंट्रोल करें ठीक तरह, कि वो भी हम जहर ना खाएं। गुस्सा सबसे बड़ा जहर है। एक और, आपस में हम सारे प्यार ज़रूर रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमने हार्ट की बीमारी से बचना है। और कभी कैसे पता लगेगा हमारे को दिल का भी हार्ट अटैक होने वाला है? एक तो हमें ये नीचे चिन जो हमारी है, यहाँ से ठुड्डी से लेकर हमारी धुन्नी तक, कहीं भी छाती में भारीपन हो सकता है, या पेट में भारीपन हो सकता है, या दर्द हो सकती है, पसीना आ सकता है, चक्कर आ सकता है, कमज़ोरी लग सकती है, धड़कन लग सकती है, हम घिर के बेहोश भी कभी हो सकते हैं, हमें ऐसे लग सकता है भी हमारा खाना, हमारी डाइजेशन ठीक नहीं है, ये भी हार्ट दिल के घात की निशानी हो सकती है। फिर एक टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी, जो कि अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, हम यहाँ पे मशीन सी करके देखते हैं। फिर खून के टेस्ट होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास हार्ट की एंजियोग्राफी भी है। और अगर एंजियोग्राफी में कोई खून की नाड़ी ज़्यादा बंद निकले तो हम स्टेंट डाल देते हैं, या ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी कर देते हैं। मैक्सिमम हार्ट अटैक के पेशेंट दवाई से ठीक हो सकते हैं, स्टेंटिंग और ओपन हार्ट सर्जरी की बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। आजकल मशीन्स हैं, जैसे EECP है, एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन है, ESMR है, ये भी इसके 35 सेशंस होते हैं, या 18 दिन के सेशंस होते हैं, उससे भी हमारी जो एक्स्ट्रा खून की नाड़ियाँ 80 से 85%
मरीज़ों में बन जाती है, और दवाइयों के साथ और अच्छी लाइफस्टाइल के साथ और अच्छे खाने पीने के साथ, सैर के साथ, सिगरेट छोड़ने के साथ, शुगर कंट्रोल करने के साथ, वज़न कम करने के साथ, ऊपर वाले का नाम ऊपर वाले में ज़रूर मानना चाहिए। वो ऐसी कोई शक्ति है जो हम सारा हम ब्रह्मांड को बना के बैठी है। अगर हम ऊपर वाला एक है और है ये माने, तो ये ऊपर वाला जो होता है ये डॉक्टरों का भी डॉक्टर होता है। तो जब हमारा सब कुछ खो गया हो, हमारा जब सब कुछ लुट गया हो, हम बिल्कुल नीचे बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, अगर हम ऊपर वाले का नाम याद करें हमारे साथ है, तो हमारे में बड़ी शक्ति मिलती। मेरे ख्याल से हमें ऊपर वाले पे ज़रूर मानना चाहिए। लेकिन जो हम ऊपर वाले को नाम दे देते हैं अलग अलग, गॉड, भगवान, अल्लाह, ये वो, ठीक है एक ही वो। हम ये सोच के चलें और प्यार फैलाएं ज़िंदगी में। कुछ नहीं है, स्वर्ग नगरक इसी ज़िंदगी में है। किसने देखी है दूसरी दुनिया? इसी ज़िंदगी में स्वर्ग नरक है। हम इसी ज़िंदगी को बढ़िया जिएं और इसी ज़िंदगी को खुशहाल करें, और अपना वज़न कंट्रोल करें, नमक, चीनी, जो मैंने बताया, गुस्सा। और हाँ, जब हार्ट अटैक होता है तो डिस्प्रिन एक खानी है, 4 गोली क्रोपिडोग्रेल भी होती है, फिर एक सॉबिट्रेट होती है जो जीभ के नीचे रखें। ये 3 गोलियां, तो 4 गोलियां हमारे घर में ज़रूर होनी चाहिए। एक उल्टी की गोली घर में रखनी चाहिए, पेट दर्द की गोली घर में रखनी चाहिए, डॉक्टर से पूछ के, बुखार की पैरासीटामोल। और कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से बच के रहना है, मास्क पहन के नॉर्मल काम करो और सबको हेल्प करो, सबको प्यार दो ज़िंदगी में और ज़िंदगी जियो। और साथियों, हमें जो ड्रग्स मिलते हैं मार्केट में, हर जगह ड्रग्स फैले हुए इंडिया में, जो सरकार कहती है ना कि ड्रग्स नहीं है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बड़े बर्बाद हो रहे हैं। अभी आपने बॉलीवुड में देखा है, महाराष्ट्र में, वो जो बॉम्बे में सारी एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस हैं, सिर्फ वहाँ नहीं है, ये ड्रग्स हर जगह फैल चुके हैं। और ये हमारी पुलिस को उठ के खड़ा होना है। वो कहते हैं ना, हम आधी बोतल पी जाते हैं, या पौवा पी जाते हैं, या जो भी है क्वार्टर पी जाते हैं, उनका सबका लिवर बर्बाद होता ही होता है, पैनक्रियाज भी होता है, अल्सर भी बनते हैं, और उनकी उम्रें भी, वो कहते हैं ना भी, देखो मैं इतना हो गया, मेरी उम्र इतनी होगी। हमें कंट्रोल करना चाहिए अल्कोहल। जिनको अल्कोहल की भी लत लग जाती है, फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं। तो हमें सरकार को इवन अल्कोहल की सप्लाई थोड़ी कंट्रोल करनी चाहिए, इसकी परसेंटेज कम करनी चाहिए अल्कोहल की। तो जो दारू भी पीते हैं वो अपने साथ सलाद वगैरह खाएं, ये बाकी जंक फूड मत खाएं। नंबर 2, लिवर को भी रेस्ट चाहिए भाई। तो इसीलिए 2 छोटे पैग जो कहते हैं ना डॉक्टर, वो कभी कभी लो, ये नहीं कि रोज़ लेना, इट इज़ गुड फॉर द हार्ट, ऐसे नहीं है। ये वाइन हो गया, वॉडका हो गया, बियर हो गया, जो भी है, ये सारा, ये बहुत ही लिमिट में, बहुत ही कम मात्रा में लेनी चाहिए, और या तो लेनी नहीं चाहिए। जो नहीं पीते उनको शुरू नहीं करनी चाहिए, और ड्रग्स और स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं, ये बर्बाद कर देती हैं हमें। फाइनली जो है, हमें एक तो चीनी कम खानी है या नहीं खानी, हमें मिठाइयाँ कम खानी है, हमें फल फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खानी हैं, तेल में भी हमें, मैंने आपको समझा दिया कैसे है, हमें वज़न कंट्रोल करना है, बीपी कंट्रोल करना है, और खून की जांच में कोलेस्ट्रॉल लेवल एलडीएल का 100 से कम रखना है, और एचडीएल 45 से ऊपर रखना है। हमें सैर ज़रूर करनी है, चाहे जैसे भी है, अगर हम चल नहीं सकते तो ऐसे करें, जो भी है, कसरतें सीख लें नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से या डॉक्टर से। और हमें दवाइयाँ कम से कम लाइफ में खानी है, और हार्ट डिजीज़ में बहुत कम लोग होते हैं जिनको स्टेंट और बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी में तो पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम लोग दवाइयों से ठीक होके और ईईसीपी थेरेपी, ईएसएमआर थेरेपी से भी कंट्रोल हो जाते हैं। और अगर हमें गुस्सा आए, या कहीं हम बिल्कुल ही हमें लगे कि दुनिया ख़त्म हो रही है, हम जिसको ऊपर वाले को मानते हैं उसका नाम जपें, हम भजन सिमरन ज़रूर करें और खुश रहें, और सबके लिए बेस्ट सोचो, सबके लिए प्यार सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। थैंक यू सो मच।